हाय फ्रेंड, कैसे आप सब। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एकदम क्रिस्पी मांडेली फिश फ्राई की रेसिपी। बहुत कम तेल में हम इसे तवा पर फ्राई करेंगे और न चिपकेगा और न टूटेगा और ये बहुत क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें मैं मांडेली मछली अच्छी तरीके से साफ़ करने का तरीका भी बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने मांडेली मछली ले लिया है और ये अच्छी मछली है, फ्रेश है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जिस तरीके से मैं बताऊंगी सेम वैसे ही बनाइए। तो देख लीजिए, पहले ये ताज़ी मछली चेक करना इस तरह से है। तो चेक करके हमने लिया है, एकदम ताज़ी है। और अब हम इसे साफ़ करने का तरीका देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक छुरी, जो घर की छुरी है, और इस तरीके से हम इसके ऊपर से चलाएंगे ताकि इसके ऊपर जो भी चिमटा वगैरह है वो निकल जाए। और मैं इसे साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ। अभी अंदर में देखिए, बहुत सारा इसके पेट में जो अतरी पचौनी है और कचरा होता है तो निकालना है। मुंडी में कुछ नहीं रहता तो उसे भी तोड़ देना है और पुच्छी भी तोड़ देना है। देखिए, यहाँ से साइड से जो है इसको आप इस तरीके से निकालते जाइएगा और पूरा पेट के अंदर में जो भी गंदगी है वो सब हम निकालेंगे, मुंडी तोड़ेंगे और साइड का जो पर है इसे भी तोड़ देंगे और ये पूंछ को भी हम थोड़ा तोड़ देंगे। इस तरीके से हमने सारे मछली को साफ़ कर लिया है और मछली को हमने दो भाग में बांट लिया है। ये बड़ी साइज़ की मछली है जिसे हमने एक प्लेट में लिया हुआ है और दूसरे साइड में जो थोड़ी छोटी थी उसे हमने रख लिया है। देखिए ये कितने सारे कचरे हैं। तो ये जो बड़ी साइज़ की है ना, इसका हम फ्राई बनाएंगे और जो छोटी साइज़ की मछली है उसका हम सालन बनाएंगे। तो पहले हमने इसे अच्छी तरीके से धो लेना है। तो 4 से 5 पानी से हमने इसे साफ़ कर लिया है। तो फ्राई की रेसिपी मैं दे रही हूँ और इसका सालन अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो पहले हमने आधा नींबू का रस जो है इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी हमने आधा टीस्पून के जितना हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है और नमक। नमक और मिर्ची जो है अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करें। और इसमें काली मिर्च का पाउडर लिया है आधा टीस्पून और गरम मसाला थोड़ा सा हमने डाल दिया है। ये शाही दावत वाला टिक्का मसाला है जिसे मटन मछली हर किसी के साथ इसे मैरिनेट कर सकते हैं। तो 2 चम्मच के जितना ले लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून हमने लिए हैं और इसे हमने ना अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये रेसिपी ज़रा भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इसे हमने यहाँ पर रख लिया है मछली मैरिनेट करके। और ये हमने सूजी लिया है यानी रवा। अगर बारीक वाला ना मिले आपके पास तो उसको मिक्सर में घुमा लीजिएगा, पीस लीजिएगा तो बारीक हो जाएगा। 2 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी, ये मछली को बहुत क्रिस्पी बना देगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए, यहाँ पर 1/2 से 1 घंटा के लिए मछली को कम से कम रखिएगा। तो मैंने 1 से 1.5 घंटा छोड़ दिया ताकि अंदर तक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। और इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये मछली को इस तरीके से सेट करके जो है आप फ्रीज में रख सकते हैं और इस तरीके से 10-15 मिनट के लिए बाहर छोड़े ताकि ये जम जाए। फ्रीज में इसको रख करके जो है आप 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब फ्राई करना हो तो आप इसे निकालें। गर्मा गर्म दाल भात के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए, हमने यहाँ पर नॉर्मल घर का तवा लिया है और तेल डाल करके अच्छा गर्म कर लिए थे तेल को और उसमें हमने डाल दी है मछली। तवा को इस तरीके से हम थोड़ा सा हिला डोला करेंगे और अब हम क्या करेंगे, तो मछली को साइड करके और सारे मछली इसमें हमने डाल दिए हैं जो एक बार में जितना आया है तवा भर करके। और बस इसे इस तरीके से हमने अब मीडियम फ्लेम पे कर लिया है और नहीं तो ये मछली जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से पकेंगे नहीं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने अभी फ्लेम को कर लिया है और इसे हम अलट पलट करके तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त सा फिश फ्राई रेडी है हमारा।